दोस्तों, हिटाची सर्कुलर सॉ मशीन, हम आपको दिखाएंगे मशीन को कैसे आप इजीली ओपन कर सकते हो और उसको बैरिंग चेंज कर सकते हो, मशीन को ग्रीसिंग कर सकते हैं। देखिए, हम पहले मशीन को खोल लेते हैं। पहले हम कार्बन को ओपन कर लेंगे। तीन जो नाट है उसको हम ओपन कर लेंगे। आप ऐसे करके ओपन कर लेना। पहले इसको निकाल लेना, उसके बाद दोनों पेचकस से आप आर्मेचर को ओपन कर लेना। देखिए, आप पुलार के मदर से बैरिंग को ओपन कर लेना। ये फैन गार्ड थोड़ा खराब हो गया, बैरिंग थोड़ा हिल रहा है, तो हम पहले बैरिंग को ओपन कर लेंगे। पीछे वाला बैरिंग ठीक है। देखिए, हम पुलर के मदद से बैरिंग को ओपन कर लेते हैं। ये पुलर तापाड़िया कंपनी का पुलर था, मैं 2 साल पहले ख़रीदा था 800 रुपया में, अभी भी चल रहा है। बहुत बढ़िया पुलर है, आप मार्केट से ख़रीद सकते हो। हम आपको कुछ आज अलग चीज़ दिखाएंगे। जो बैरिंग है ना, इसमें एक पुराना वाला बैरिंग है, उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको चेंज नहीं करेंगे। इस बैरिंग को हम रिपेयर करके आपको मशीन में फिट करने का जो सटीक तरीका होता है, आप उसको सिखाएंगे। पहले हम अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं, बैरिंग को ओपन करके उसमें ग्रीसिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे आप जो पुराना वाला जो बैरिंग होता है उसको आप कैसे उसको ठीक कर सकते हो। पहले बैरिंग का जो कैप है उसको हम ओपन कर लेते हैं, उसमें ग्रीसिंग करेंगे। देखिए, आप ऐसे करके उसको ओपन कर लेना, उसको अच्छे से साफ सफाई कर लेना। देखिए, बैरिंग में ग्रीस जो होता है ना, वो सूख गया है। तो आप मैंने उसके ओपन करने के बाद उसमें हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। ग्रीसिंग करने के बाद आपको दिखाएंगे आप जो ख़राब बैरिंग है उसमें थोड़ा सा हिल रहा है, प्लेट ज़्यादा हो गया, उसको आप कैसे उसमें फिटिंग कर सकते हैं। ये जो रिपेयर का जो काम है, मैं कुछ अलग करने के लिए इसको सीखा था, वो बहुत बढ़िया से काम करता है, आपको थोड़ा बहुत वो भी सिखा देंगे। देखिए, मैंने बैरिंग को ग्रीस कर लिया। ये जो बैरिंग ज़्यादा प्ले हो जाता है उसको आप कैसे फिट कर सकते हैं, जो सैप होता है ना उसको आपको क्या करना है, फेविक्विक के मदद से
ये बीजे कंपनी बैरिंग है, बहुत बढ़िया बैरिंग होता है। आप इसको मार्केट में खरीद कर मैसमिन फिट कर सकते हो, बहुत बढ़िया से वर्क करता है, बहुत ज़्यादा दिन चलता है। पीछे वाला जो बैरिंग होता है उसका जो भी रावर कैप हम ओपन कर लेंगे। देखिए आपके पास सर्जरी जो सर्जिकल 11 नंबर साइज का जो ब्लेड होता है ना, आप उसको खरीद सकते हो। ऐसे हैंडल में मार्केट आपको मिल जाएंगे, तो इसके मदद से बढ़िया से आप बैरिंग को ओपन कर सकते हो। नहीं तो आप सोच लेके कि नुकीला कोई चीज़ बना लो, उसी से आप उसको बैरिंग का जो कैप है उसको ओपन कर सकते हैं। अच्छे से साफ सफाई कर लेना, देखिए कितना बढ़िया से मूव कर रहा है। आप फेविक्विक लेना, इसका मुख सूख गया है, इसको ओपन करना है। आप थोड़े थोड़े करके फेविक्विक घुमा घुमा के डाल लेना सैप के ऊपर में, पतला सा परत चढ़ जाए। क्या होता है जो सैप्ट है ना, थोड़ा मोटा हो जाएगा, बैरिंग थोड़ा प्ले हो गया। हम उसको प्ले को कम करने के लिए आर्मेचर का जो सैप्ट है उसको हम मोटा बना लिया। हम एक बैरिंग ठोकने के लिए कुछ सामान ढूंढ रहे हैं। देखिए मेरे पास बहुत सारे सामान है, ये थोड़ा ज़्यादा प्ले हो गया, हम और कुछ से उसको ठोकने की कोशिश करेंगे। देखिए ये ठीक रहेगा। उसके बाद बैरिंग लेके हम उसमें फिट कर देंगे। आपको हम जो सिखा रहे पहली बार आपको नहीं होगा, बहुत ज़्यादा काम टाइट हो जाएगा बैरिंग, तो आपको उसको धीरे धीरे करके सीखना है। आप सीखने के बाद मेरे को बताना आपको जो हम सिखाया वो कैसे आपका मशीन वर्क कर रहा है, कितना बड़ा ऐसा काम हो गया। नहीं तो आप नया वाला बैरिंग भी डाल सकते हो। देखिए आर्मेचर क्या हुआ है, ज़्यादा हीट होने की वजह से ये टूट गया है। देखिए हम इसमें सीरीज में चेक करेंगे ये बॉडी हो गया, मतलब शॉर्ट हो गया क्या, नहीं हुआ तो हम उसमें फेविक्विक डाल के उसको साफ सफाई कर देंगे, तो उसमें जो शॉक होने का जो, देखिए इसमें शॉर्ट नहीं हुआ है, आर्मेचर शॉर्ट नहीं हुआ है, वो ठीक है, अभी भी चल जाएगा। हम उसमें जो गड्ढा बन गया उसमें फेविक्विक डाल देंगे, तो जो खराब थोड़ा बहुत हुआ है आगे कुछ दिक्कत नहीं आएगा। ये आर्मेचर बहुत महंगा है, ये आर्मेचर 1550 रुपये का आपको शायद मिलेगा, आपकी ज़्यादा भी हो सकता है, 2-3 साल पहले 1550 था। देखिए देखो हम हर काम को रिपेयर करते हैं। मेरे यहाँ पे जो लोग रहते हैं बहुत गरीब होता है, देखो नया नया सामान तो हर कोई डाल देता है, तो आप जितना ज़्यादा रिपेयर करके छोड़ोगे आपका कस्टमर उतना ज़्यादा आएगा। रिपेयर का जो भी काम है मैं बहुत बढ़िया से करता हूँ, सीख जो मेरे को करने का जो चाहत है वो भी मेरे पास है थोड़ा बहुत। देखिए ज़्यादा मेहनत लगता है, जब भी हम कुछ रिपेयर करते हैं ना बहुत बहुत टाइम लगता है उसको करने में, आपको बहुत, मेरे को तो खुशी मिलता है, इसलिए मेरे को ये काम करने में बहुत खुशी मिलता है। देखिए मैं अच्छे से साफ सफाई कर लिया, उसके बाद हम फिटिंग कर लेंगे। थोड़ा बहुत सामान को हम साइड कर लेते हैं। मेरा शॉप बहुत ही छोटा है, बैरिंग के ऊपर आप डेंडाइट थोड़ा सा डाल लेना। अच्छे से आपको उसको ठीक से उसके ऊपर लगा लेना है। मेरा हिंदी, मैं हिंदी आपके वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ,
नहीं तो मेरे यहाँ पे मैं बंगाली में बात करता हूँ, कस्टमर जो भी है वो भी बंगाली है, तो मेरे को बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। आप लोगों को समझाने के लिए मैं हिंदी बोलने की कोशिश करता हूँ। मेरे से थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो आप थोड़ा सा माफ़ कर देना। देखिए अच्छे से साफ़ सफाई कर लेना, ग्रीस को आप निकाल लेना, उसके बाद आप अच्छे से साफ़ सफाई कर लेना। आप बाहर में भी ऐसे ग्रीस डाल लेना। ग्रीस डालने का मतलब क्या आपको पता है? आप जो मशीन मूव बढ़िया से करेगा तो हम हर जगह पे ग्रीस कर देते हैं। ग्रीस सूख जाता है तो हीट होता है, मशीन जल्दी जल्दी ख़राब हो जाएगा। आप डेंडाइट डालने से क्या होता है, जो आर्मेचर है चिपक कर रहेगा तो खुलेगा नहीं, खुल जाएगा तो बहुत सारी दिक्कत होता है, तो इस वजह से हम उसमें डेंडाइट से चिपक देते हैं। देखिए बहुत कुछ जो चीट होता है उससे आप चिरा सकते हो, उसमें क्या दिक्कत होगा बाद में आप जब ओपन करोगे ओपन में दिक्कत होगा, इसलिए हम डेंडाइट डाल के ओपन कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, डेंडाइट बहुत बढ़िया होता है, जल्दी जल्दी खुल जाता है और सूख भी जाता है जल्दी जल्दी। और ये जो डेंडाइट है बहुत कम कीमत में मिल जाएगा मार्केट में। देखिए हम आपको ऐसे करके उसको सेट कर लेना है, थोड़ा लकड़ी से ठोक के आप सेट कर लेना। देखिए ये जो लॉक है ना, आपको उसको लगा के भी देखना है कितना बढ़िया से वर्क कर रहा है। देखिए छोड़ने से मूव फी हो गया, अभी देखिए लॉक हो गया ना, ठीक है। उसके बाद हम इसमें फिट कर लेंगे। देखिए और फिट करने से पहले आप जो नाट में उसमें थोड़ा थोड़ा करके ग्रीसिंग कर लेना है। ग्रीसिंग करने से नाट जल्दी ख़राब नहीं होगा, जब भी आप खोलने की ज़रूरत पड़ेगा वो ईजिली खुल जाएगा। आप इस जो काम हम ग्रीसिंग करने वाला नाट में आपको दिखाया ना, नया वाला मशीन में आप कर लेंगे तो आपका नाट जल्दी जल्दी खुल जाएगा। अच्छे से साफ सफाई कर लेना, उसके बाद फिटिंग कर लेना। ये वाला वाशर जो होता है ना, उसको आपको बैरिंग के ऊपर चिपका देना है, तो आपको जब भी आप उसको फिट करें आपको दिक्कत ना आए। नहीं तो क्या होता है, हम जब भी उसमें फिट करते हैं वो गिर जाता है तो दोबारा खोलना पड़ता है, तो हम इसको गोंद से चिपकाने के बाद फिट कर देंगे। देखिए आप इसको कुछ भी साइड में आप उसको वाशर को रख के फिट कर सकते हैं। ऊपर भी थोड़ा बहुत डेंडाइट हम डाल देते हैं तो ऊपर भी जब उसमें बैठे वो चिपक जाए, नीचे ना आ पाए। देखिए हम बढ़िया से उसको फिट कर लेते हैं। ये मशीन का बॉडी चेंज, आर्मेचर, फील्ड, कुछ भी चीज़ चेंज होगा तो जब भी काम मेरे दुकान पे करने को लेके आएंगे उसका वीडियो धीरे धीरे करके आपको बनाएंगे दिखा देंगे। देखिए कितना बढ़िया से मूव कर रहा है, उसको घुमा के आपको देख लेना है। उसके बाद आपको कार्बन को डालना है, कार्बन का जो वेव होता है ना वो भी आपको देख लेना है, तो नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा स्पार्क करेगा। अब जिस साइड घूमता है ना उस साइड थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, उस साइड आपको घुमा के उसको बैठाना है। हिटाची कंपनी का जो
बॉडी होता है ना बहुत नाजुक होता है, क्या होता है बैरिंग यदि ख़राब हो जाता है ना, जल्दी ख़राब हो जाता है, उसमें पीछे वाला जो हिस्सा है ना वो टूट के बाहर आ जाता है। तो उस ना ये मशीन में भी ऐसा हुआ था, इसमें दो बार मैंने बॉडी चेंज किया, ये बहुत पुराना मशीन है। देखिए हैंडल वाला जो फाइबर है वाला आपको अलग देखने को मिलेगा, पीछे वाला आपको नया देखने को मिलेगा। देखिए हम सीरीज में टेस्ट कर लिए, उसके बाद आपको चला के दिखाएंगे। स्पार्क होता है ना उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करके आप मेरे को बताना।